हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी। आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी का जो मटेरियल है इसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम सीख रहे हैं आज भिन्न और दशमलव भिन्न से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी बेसिक बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसकी स्टडी कर लीजिए, उसको देख लीजिए और उसके बाद में आप देखो इसके कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है 2/3, 1/2 और 3/4। इनको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है, आप दो संख्याओं में से पता लगा सकते हैं बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो पहले आप इन दोनों की बात करेंगे, 2/3 और 1/2 है, इनमें आपको बड़े का पता लगाना है बड़ा कौन सा है। तो इनको आप ऐसे वैसे गुणा कर लो, पहले एक बार इनको ऐसे गुणा कर लो, इधर आ रहा 2 × 2, इधर 3 × 1, 4 और 3, 4 बड़ा रहा है ना, तो बताइए इससे बड़ा है। ठीक है, इन दो की आपने भी कंपेयर कर लिए। अब देखो उसकी कंपेयर आप करें किसके साथ, 3/4 के साथ। तो मतलब आपने 1/2 लिया, इधर आपने लिया 3/4, इसकी कंपेयर की ऐसे, तो ये आ रहा है 4 और वो आ रहा है 6, तो मतलब वो इससे बड़ा है। ठीक है, अब इससे तो ये बड़ा होगा, उससे वो बड़ा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे अगर आप कंपेयर करके करोगे तो क्वेश्चन आप थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करना है, इसका बिल्कुल इजी तरीका है कि आप इनमें इनको डेसिमल फॉर्म में बदलो, सबको फॉर में 2 का और 3 में 4 का, सबको ऐड कर लो। तो इससे पहले 0 टाइम हुआ, फिर 6 टाइम, 18, 2, इतने पता लग जाएगा आपको। इसमें ऐड करो अभी 0 पॉइंट, फिर 5 टाइम, इसमें करो 0 पॉइंट, फिर 7। तो देखो सबसे छोटा नंबर ये आ रहा है, बड़ा ये आ रहा है और सबसे बड़ा ये आ रहा है, यानी 0.5 से बड़ा है 0.6, इससे बड़ा है 0.7। तो 0.5 को कौन डिनोट कर रहा है, 1/2, और 0.6 को कौन कर रहा है, 2/3, इसको कर रहा है 3/4। तो ये आपने इसको लिख दिया आरोही क्रम में। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। अब देखो आरोही क्रम में की बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें आपसे पूछा है कि 3/12 और 2/15 और 4/17, इनमें आरोही क्रम की जो बड़ी भिन्न है सबसे, उसका आपको पता लगाना है। तो मैंने देखो आपको तरीका बता रखा है, कुछ नहीं करना आपको, इनका सबका भाग लगा दो पहले, यानी अंश में हर का भाग लगाना आपको, ऐसी 2 में 15 का भाग लगाना है, 4 में 17 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर आपका भाग गया 0 बार, पॉइंट लगाया 12 × 2 = 24, इतने में आपको पता लग जाएगा लेवेश लगभग। ठीक है ना, इसमें से कर लो 0.1 बार। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर मान लो अंक समान है तो आप इसमें आगे और भी देखो भाग लगा सकते हैं, जिस 6 है 0, 5 आ गया, इसमें 5 0, फिर 3 बार, इसमें आप करोगे 17, पहले आपने 0 लिखा, पॉइंट लगाया 17 × 2 = 34, 6 0, फिर 17 × 3 = 51। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ रही है, ये सबसे बड़ी भिन्न, तो आपका नंबर कौन सा हो गया है, 3/12, ये क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस तरह से आप सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का पता आप लगा सकते हो। फिर देखिए आगे तो आपका प्रश्न संख्या देखो 3 आता है इसमें। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, कुछ संख्या दी गई आपको 2/10 प्लस 3/100 प्लस में 4/1000 और प्लस में 5/10000, इनको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए इनको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबको तरीका बता रखा है, इसमें बटे देखो 10 है ना, तो इधर आपको एक संख्या छोटी पॉइंट लेते हैं, आपको बनाएगा 0.2, यहाँ 2 0 है ना, तो इसके पहले आप 0 मान लोगे कितनी भी, अब 2 को छोड़ने आपको पॉइंट लगा, तो आप यहाँ पर 0.03। उसके बाद देखो यहाँ 3 0 आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे आप उतने ही 0 और मान लो एक्स्ट्रा, अब 1 2 3, तो 0.004। उसके बाद देखो यहाँ देखिए आप पास 4 0 आ रहे हैं, तो आपको पॉइंट है वो इधर 4 अंक छोड़ के लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आगे आपके पास कितना 0.000 और ये 5। अब इन सबको आप आराम से जोड़ लेंगे, जोड़ने का तरीका 0.2
फिर पॉइंट ऑफ आवर पॉइंट आएगा 03, फिर पॉइंट 004, पॉइंट 0005, अब जो इनको 5, फिर 4, 3, 2 और ये 0। ये आपने को क्या बता लिया है, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है। फिर देखो अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि 23.15 के समान दशमलव भिन्न कौन सी है, वो आपको इसमें बतानी है। देखो प्रश्न संख्या तो 4 आपका है, उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यानी 23.15 के समान दशमलव भिन्न कौन सी है उसका पता लगाना आपको, दशमलव भिन्न कौन सी है यह प्रश्न है। और देखो इसमें इसने आपको चार ऑप्शन लिख के दे रखे हैं, पहले ऑप्शन में आ रहा है 23.150 और बी ऑप्शन में आ रहा है 23.015 और सी ऑप्शन में आ रहा है 2.315 और डी ऑप्शन में आ रहा है 23.105। ये है। अब देखो इनको हल कैसे करना आपको, जैसे मान लो मेरे पास 23.15 लिखा हुआ है, अब एक बात ध्यान रखना है, अगर मैं इसके इधर जीरो लगा दूं तो अब इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उधर संख्या और उसके आगे आप कितने भी जीरो लगा दो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह संख्या आपकी 23.15 ही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्या आपको केवल ये पहले वाली नजर आ रही है, इसका मतलब इसके समान भिन्न कौन सी आपकी 23.150। अब देखो पांचवा प्रश्न आपका आ गया रहा, जैसे मान लो पांचवें प्रश्न में लिखा है 21/15 और प्लस में 28/30 और इसको सरल करके तो इसका मान है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले आप इनको काट के पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले आओ, 3 से काटा इसको 7 बार और ये 5 बार, 7/5, फिर इसको भी आप 2 से काट सकते हो 14 बार और ये 15 बार, तो 14/15। अब देखो आप क्या करेंगे, इस 5 और 15 का आप लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 3 का भाग दिया इसमें गया नहीं, इसमें गया 5 बार, फिर 5 का दिया इन दोनों में गया एक एक बार, इनको गुणा कराया 15, तो यहाँ लघुत्तम आ रहा है मेरे पास कितना 15 आ रहा है, 5 का भाग दिया 3 बार और 7 यहाँ 21, 15 में 15 का भाग एक बार, 14 एकम 14, इनको जोड़ लो 5 3 35/15, काटोगे 5 से कटो है ना 7 बार और ये 3 बार, तो 7/3। तो ये आपने भी इसका क्या कर लिया है, जो उत्तर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में, देखो अगले अगर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो आपके पास ये प्रश्न आएगा इस तरह से, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें 5 लेते हैं, 5 तो हो गया ना आपका। अब जैसे मान लो एक मिश्र भिन्न के रूप में आपके पास संख्या है, उसको आपको सरल करना है, तो 5 से 2/3 प्लस 16 से 1/5 माइनस 12 से 1/3, इसको क्या करना आपको सरल करना है, और सरल करके तो इसका आंसर आपको प्राप्त करना है। तो देखिए सरल करने के लिए पहले क्या करना, आपको सिंपल भिन्न बदलना पड़ेगा, तो 5 से 15 2 17/3 प्लस 16 5 81/5 माइनस 12 3 36/37/3। अब देखो आप इन तीनों का निकालो आप लघुतम, यहाँ पर यानी 3 5 3 का आप निकालो लघुतम, तो 3 का भाग है इसमें एक बार, इसमें गया नहीं, इसमें एक बार, अब 5 का वापस भाग एक और ये एक, तो लघुतम इन सबका क्या देगा मेरे पास अभी 15 आ गया इनका लघुतम, 3 का भाग दिया 5 बार गया और 17 5 85 प्लस 5 का भाग दिया 3 बार गया और 3 से गुणा करने पर 3 एकम 3 3 8 24 माइनस 3 का भाग दिया 5 बार गया और 7 5 35 3 और 5 3 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए 185। अब देखो इन दोनों को पहले आप सरल कर लो, पहले देखो मैंने इन दोनों को सरल किया एक बार, तो 243 सेम है, दोनों घट के आगे माइनस के 100/15, इनको वापस घटाओ तो ये आ गया आपका 143/15। अब आप इसमें ये आपने इसका क्या प्राप्त कर लिया है, जो उत्तर है वो प्राप्त कर लिया है। अगर मान लो उत्तर आपका मिश्र भिन्न में लिखा हो,
तो देखो आप इसको मिश्र भी नहीं बदलेंगे कैसे, 143 में अगर आप 15 का भाग लगाते हो तो 15 नौ का 135 बचा कितना 8, तो देगा 9 सही 8 बटे 15। ये इसका मिश्र भिन्न की फॉर्म में जो उत्तर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें मान लो मेरे पास ये संख्या आ रही है, यानी आपसे पूछा है कि जैसे मान लो 20.16 और भाग 14, फिर आ रहा है 14.2 और 14.4 में आपको बालकने इसका 2 का भाग आपको लगाना है। अब इसका सरलतम रूप आपसे पूछा है और ऑप्शन में देखो इसके ए ऑप्शन में आ रहा है कितना 0.4, बी ऑप्शन में आ रहा है 0.5 और सी ऑप्शन में आ रहा है 0.2 और डी में आ रहा है 1। अब इसका देखो आपसे सरलतम मान यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए इसका हम सरलतम मान कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपने देखो लिया पहले इसमें क्या 20.16 भाग आ रहा है मेरे पास 14 बटे आ रहा है 14.4 भाग 2 आ रहा है। तो पहले आप इनका देखो अलग अलग भाग लगा दें, जो 20.16 है इसमें आप 14 का भाग लगा देंगे अलग से, तो भागे एक बार 14 6 फिर पॉइंट लगाया 1, फिर गया आपका 14 चौक 56 5 6 14 चौक 56, तो ये ऊपर वाला मान जो होता है आपका गया 1.44 आ गया। अब देखो इस नीचे वाले भाग में, देखो नीचे वाले भाग की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, 14.4 है उसमें आपको 2 का भाग लगाना है, 7 × 14 0 फिर पॉइंट फिर 2 बार, और ये मेरे पास आ रहा कितना 7.2। अब देखो आपको पहले पॉइंट से देखो पॉइंट कट करना था, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 अंक है इधर भी आप 1-0 मान लो, संख्या समान है, पॉइंट से पॉइंट हो गया कट, यानी अब 144 ऊपर तो बटे मारा 720। अब देखो इनको सल करके आपको अपना उत्तर प्राप्त करना है, तो देखिए या तो 144 है मेरे पास बटे मारा 720, तो देखो दोनों संख्या आपकी 12 से पूरी पूरी कट सकती है, 12 से काटा 12 बार और 12 से काटा इसको कितने बार है 6 बार 60 बार, यानी 12/60। अब वापस काटा इसको एक बार और ये 5 बार 1/5 और 5 का भाग देने में कितना आएगा, ये 0.2 आ जाएगा 0.2। तो ये इस तरह से आप जो इसका मान है वो प्राप्त कर सकते हो। ये था आपका जो प्रश्न संख्या 10 था उसके बारे में। चलो अभी आप कुछ क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लो अभी मेरे पास एक प्रश्न और आ रहा है इस तरह का, तो और अगर हम देखो प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो देखो इसमें आपको लेना है कि 5 के एक प्रश्न है, 5 के 5/4 का आधा, 5 के 5/4 का आधा 200 है, 5 के 5/4 का आधा 200 है, तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा, तो 5 के 20 गुने का मान कितना होगा। और इसने आपको ऑप्शन दिया है 6400, बी ऑप्शन आ रहा है 8000 और उसके बाद में आ रहा है 1600 और 3200। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लो कि 5 का 5/4 कितना आ रहा है 200 आ रहा है, तो 5 का लिया आपने कितना 5/4 लिया आपने, 5/4 का मतलब क्या होता है 5/4 होता है, और वो बराबर कितना है मेरे पास 200 आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब आपको पूछा है कि 5 के 20 गुने का मान कितना होगा, तो इसको देखो हम ऐसे हल करेंगे, तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा आपसे, अक्स के 5/4 का आधा 200 है, तो आपको पूछा है अक्स के
20 गुने का मान कितना होगा, यानी आपके पास कोई एक संख्या x है उसके 20 गुने का मान पूछा है, जबकि उसके 5 तक मान कितना रहा है, ये 20 दो सौ आ रहा है, तो x का लिखा आपने 5 था, ये हो गया बराबर आ रहा है 200। इसको सॉल्व कर लो पहले, तो 5x बराबर आ गया कितना, 4 × 2 = 800, और x का मान आ जाएगा 800/5, तो 160 मान आ गया अभी। उसके बाद देखो आपको इसका पूछा है 20 गुणे का मान पूछा है, तो इसका 20 गुणे नहीं, इसको 20 से गुणा कर दो तो मान आपका आ जाएगा कितना, 3200। ये इस तरह से आपको समस्या को हल करना था। चलो देखो इसी श्रृंखला में आप कुछ एक दो क्वेश्चन अभी और देखे आगे। देखो हम आगे प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें देखो आपका एक प्रश्न इस तरह का आ रहा है, यानी 2 सही 1/2 का जो 3 सही 5/2 है, 3 सही 5/2 प्लस 8 सही 3/2 का 7 सही 7/2। अब देखो इसका आपको अभी हल है वो प्राप्त करना है, तो 2 सही 1/2 का मतलब होगा 5/2, का मतलब गुणा, और ये 3 × 2 = 6 और 5 कितने हो गए, 11/2 हो गए। उसके बाद में 8 × 2 = 16, 3 कितने हो गए, 19/2, और का मतलब गुणा, 7 × 2 = 14 और 7 कितने हो गए, 21/2। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो ये 11/55/4 हो गया, ये 19 हो गया था, पर 9 असली लेकर अभी 38 और ये कितने हो गए, 39, 3 × 39/4। अब देखिए आप इसमें क्या करें, अभी 4 को लेंगे आप लघुतम, तो मान आएगा 55 + 399। इनको देखो जोड़ने पर क्या आएगा, 4 तो रहेगा सेम यहाँ पर भी, 14 असले का रे भी, और उसके बाद में 15 फिर असले का रही है 4, 454/4। तो इस तरह से आप यह वो कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो इस टॉपिक के लगभग जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप आराम से स्टडी कर सकते हो, ये मैंने आपको लगभग क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं। बाकी अगर कोई भी आपको समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे को डाउट क्वेश्चन के तहत आप बातें पूछ सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।